2013 के गर्मी की बात है, जून के आसपास का महीना था। मैं अपना JEE एडवांस का पेपर देके आया था। पेपर देके आया और मैं अपने रूम में गया, किसी से बात नहीं की और चुपचाप लेट गया था, सर ऐसे ऊपर छत को देखते हुए। पंचायत मूवी आपने सीरीज़ देखी होगी, उसमें जीतू बेरी जब पेपर देके आते हैं और लेट जाते हैं और किसी से बात नहीं करते, कुछ वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। मैं ऐसे लेटा हुआ था, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था और 3-4 घंटे तक मैं ऐसे लेटा हुआ था। मम्मी का भी फ़ोन आया, मतलब बोल रही थी मम्मी की भी जो है खाना वाना खा लो, मैंने मना किया, कुंडी लगाई, लेट गया। मैंने कहा 3 घंटे तक मुझे परेशान मत करना, 3-4 घंटे मैं बैठा रहूँगा। उस दिन मुझे लाइफ में पहला लेसन मिला था फेलियर का। अच्छा, फेलियर जैसा कोई भी वर्ड होता है, बड़ा फेलियर, छोटे मोटे चीज़ें तो स्कूल में कभी कम मार्क्स आ गए, छोटे मार्क्स आ गए, लेकिन जो आपको रियल वर्ल्ड में जब आप उतरते हो ना 12th के बाद, जब कंपटीशन देना शुरू करते हो, वो था मेरी लाइफ का पहला फेलियर। एवरीवन, दिस इज विजय मिश्रा। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स आपके निकाले हैं, जैसे कि SBI PO हो गया, IBPS PO हो गया, SSC CGL हो गया, रेलवे NTPC, IBA CIO, ऐसे बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं और यहाँ पे आप लोग को क्वांट पढ़ाता हूँ। आप में से कई लोग मुझसे पूछ चुके हो, मेरे जोश टॉक पे आप लोगों ने देखा था, उसके बाद बहुत से वीडियो हमने बनाई है, बात की है। हमेशा आप लोग का एक कमेंट ये आता था, एक कमेंट बहुत कॉमन मैंने देखा है कि भैया आपकी है, मैंने हमेशा सक्सेस स्टोरी सुनी है हमने हमेशा, क्या आपके लाइफ में कभी फेलियर्स नहीं रहे थे? तो मैं आज आपको बताता हूँ कि मेरी लाइफ में फेलियर्स थे कि नहीं थे, और अगर थे तो उन्होंने मुझे क्या सिखाया और मैं कैसे कहाँ से वहाँ से उठ के यहाँ पे कैसे आया। आज मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ। 2013 में ये हुआ, उसके बाद हम गए कॉलेज में, कॉलेज में भी चलता रहा अपना, तो वहाँ भी सब्जेक्ट्स वगैरह हुए, वहाँ पे भी कुछ सब्जेक्ट्स में बैक लग गई थी तो फेल हुए। वो बच्चा जो कि 11th तक 12th तक अच्छा परफॉर्म करता था, फिर उसको फेलियर्स दिखने लगे थे, तो लाइफ में एक रियलिटी चेक होने लगा था कि अच्छा ये भी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम इतने छोटे होते हैं उस समय, 12-15 साल की उम्र होती है, 15 साल की समझ में नहीं आता, 18 साल तक 20 साल तक समझ में नहीं आया था। फिर उसके बाद और रियल वर्ल्ड में आते हैं, जब आप कॉलेज के बाद आते हो तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है ना कि आप अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ। हम लोग तो पहले सेल्फ डिपेंडेंट, मैं क्लास 6 से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, क्लास 6 से ही मेरा मैथ्स का पैशन था, तब से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ लोगों को, ठीक है। तो अपना होता था, चलता था, काम चलता था, लेकिन कॉलेज हुआ, कॉलेज के बाद गए, एक नौकरी मिली, वो किए, फिर वहाँ से भी जो है वो छोड़ दिए, वहाँ भी बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है। और उसके बाद आए अपने इस जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का सर्कल होता है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की कह सकते हो एक विशेष सर्कल होती है, जिसको लोग बोलते हैं विशेष सर्कल, उसमें आ गए, ठीक है। और 19 के एंड में जब इसमें आए तो समझ में आना शुरू हुआ कि अच्छा ये है, पहले पैटर्न को समझे कि अच्छा ये चीज़ होती है, वो चीज़ होती है, फिर उसमें एग्जामिनेशन देना स्टार्ट हुआ। वहाँ पे भी मैंने एक एग्जामिनेशन दिया था, उसमें EPFO का ASO कोई एग्जामिनेशन उस समय आया था, 19 की बात है मेरे ख्याल से, देखिएगा 19 में आया था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी कई बार पहले आप लोग को कि मैं पेपर देख के आया, मैं बहुत खुश था, मैं अपने आपको मतलब मानता था कि ठीक है सब, क्या ही एग्जामिनेशन है, मैथ्स तो अपना है ही और इंग्लिश भी ठीक ठाक आती ही है, रीजनिंग हमने थोड़ा बहुत सीख ली थी, और 91-92 के आसपास अटेम्प्ट करके आए थे। पेपर का रिजल्ट आया तो कट ऑफ UR की गई 95, तो एक समझ में आया अच्छा, पहली बात तो कॉम्पिटिशन का वर्ड ऐसा है कि जहाँ पे 100 में से 95 की कट ऑफ भी जा सकती है, चलो तो वो भी सब सिखा रहा था, सीख रहे थे हम लोग, ठीक है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि एक वो वाला झटका नहीं मिला था कि मैं उस चीज़ों को सीरियसली ले पाऊँ। मैं सीरियस नहीं था अभी तक लाइफ में, ये बात ध्यान रखें, मैं सीरियस नहीं हो पा रहा था। एक दूसरी थी, पहली बात तो यही थी कि मैं इमैच्योरिटी थी, जैसे भी आप लोग भी होते हो 20-21 साल में इमैच्योरिटी बहुत रहती है, हम लोग इमैच्योर होते हैं, हम लोग को इतना स्टैंड लेना नहीं आता, इतना समझ में नहीं आता, इतनी दुनिया को एक ब्रॉडर परस्पेक्टिव से नहीं देख पाते जब तक जोल्ट लगता नहीं है, झटके वाला, तगड़ा वाला। CGL दिया उसके बाद, CGL का मैंने आपको बताया है, तो उसमें प्री हुआ, फिर मेंस दे के आया, मेंस में क्वांट बहुत अच्छा हुआ, उसके बाद इंग्लिश का पेपर जो है बैठने नहीं दिया, इंग्लिश का पेपर मैं छूट गया था, मैंने आपको बताया है, चलो ये भी होता है, ये भी समझ में आया, ठीक है। उसके बाद जो है IBPS PO दिया, ठीक है, तो लकली उसमें भी जो है प्री में गए, मेंस में गए। जब आप हर स्टेज निकालते रहते हो तो एक आशा बन जाती है, एक होप बन जाती है, एंड यू गेट सो मच कनेक्टेड इनटू इट। जैसे आप में से बहुत से लोग अभी हो, और मैंने ये बात कई बार बोली भी, आज भी बोलता हूँ, कि आप अगर प्री में फेल हो जाओ ना तो उतना दुख नहीं होता कि जितना जब आप इंटरव्यू में फेल हो तो तब होता है। मेरे साथ कुछ वैसा ही हुआ कि प्री दिया था मैंने, निकल गया था, मेंस दिया था, निकल गया था, मेंस में बहुत अच्छे मार्जिन से नंबर भी थे, इंटरव्यू में फेल कर दिया था, ठीक है, और उसकी कहानी मैंने बता रखी है आप लोग को, ठीक है। तो इंटरव्यू से बाहर, और उस समय कोविड स्टार्ट हुआ था, कोविड चल रहा था, आई थिंक अप्रैल में ही रिजल्ट आया था, मई 20 में ही रिजल्ट आया था।
मुझे तब जाके एक चीज़ रियलाइज हुई, और कोविड जो कहते हैं ना, कोविड जैसे, कोविड वैसे तो बहुत ही बुरा ही फेस था सबके लिए, दुनिया में एकदम बहुत ही बुरा फेस था। मैं आज ऐसा एक बंदा हूँ जो बहुत आपको यूनिक और वियर्ड दिखेगा कि कोविड मैं अपने लिए अच्छा मानता हूँ कि कोविड अगर ना आता ना तो मैं दुनिया की रियलिटी में जी ना पाता। मैं अलग ही फैंसी वर्ल्ड में जी रहा था कि पेपर दे के चले आओ, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सिलेक्शन तो ऐसे ही होता है, क्योंकि प्री मेंस निकल गया था तो कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि ठीक है। क्योंकि प्री मेंस जब मैं पहला निकला था आईपीएस पीओ, तो मैं अपना सीरियसली मैंने पढ़ाई नहीं की, तो फ्लैट पे पढ़ा के अपना जो रूम लेकर रहता था मैं वहाँ पे अपना मैं ही पढ़ाई करता था, ठीक है। तो जब कोविड में ये सब हुआ, और कोविड में अच्छा ऐसा दिक्कत क्यों नहीं हुई थी, क्या भैया पैसे आपके पास आते थे? हाँ, तो मैंने आपको बताया ना, जैसे मेरे ट्यूशन कोचिंग पढ़ाना तो मेरा बचपन से ही है था, ठीक है। फाइनल ईयर जाते जाते फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाने लगा, उसके बाद जब यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपना 11th 12th वाले बच्चों को पढ़ाता था आराम से, ठीक है। तो मैथ्स फिजिक्स उनको पढ़ाता था, तो एकदम मतलब दिमाग में सब चीज़ें थी, और इसी चीज़ से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आपको रहता है ना, चलो मैथ्स तो यार कुछ आती है, बाकी अपना इंग्लिश और ये सब का देख लेंगे। कोविड में क्या हुआ कि मार्च में एक पे ऐसा होता है कि जैसे आप जब ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते हो, कोचिंग पढ़ाते हो, तो एक साइकिल होती है ना, जनरली मार्च तक, जनरली 11th 12th में जनरली एक साइकिल होती है ना, कि 11th के पहले ही फरवरी में उनके बोर्ड एग्जाम वगैरह हो जाते हैं आईटीबीटी के, और उसके बाद फिर वो जो है उनका 2-3 महीने गैप होता है, फिर उनका चेंज होता है। तो मेरे फेब में ही मतलब ट्यूशन छूट गए थे, और मार्च में लॉकडाउन लगना स्टार्ट हुआ था। तो भाई जब फेब के बाद दिक्कत होना स्टार्ट हुई, फेब के बाद मार्च आया, अप्रैल आया, मई आया, तब जब जेब में एक्चुअल में कौड़ी नहीं है, और 23 साल की उम्र में लोगों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, जो कि मैं हमेशा अपने आप को मानता था कि मैं कभी किसी से पैसे नहीं मांगूंगा, एटलीस्ट जीने खाने के लिए, ठीक है, जीने का मतलब रेंट देने के लिए, और क्या बोलते हैं, इवन खाने का खर्चा उठाने के लिए। घर पापा का भी उस समय काम था, वैसे था नहीं, छोटा सा काम था एनजीओ का, वो भी छूट गया था, सब बंद हो गया था, मेरा खुद का काम छूट गया था। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि जब तब समझ में आया कि यार अगर और करो, जब प्लान के अपोजिट चीज़ें होती तो आप समझ नहीं पाते हो कि चल क्या रहा है, अब करना कैसे, आगे स्टेप क्या होगा। जैसे प्लानिंग यही थी कि अपना निकल जाएगा अप्रैल में, अप्रैल के एंड में रिजल्ट आ जाएगा, जॉइनिंग वॉइनिंग हो जाएगी। और कोविड में सबसे ज़्यादा दुनिया में कुछ सिक्योर था तो नहीं था, था कि नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब सबसे ज़्यादा सिक्योर चीज़ थी उस समय। जिसके पास गवर्नमेंट जॉब थी ही वॉज थ्राइविंग, मतलब आराम से नहीं जाना था और छुट्टी भी मिल रही, जो भी था, मतलब एक वो थी आशा की किरण कि अगर ये मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लान तो फेल हो गया, तो वो तो हुआ ही नहीं। तो मुझे उस समय ये समझ में आया कि, और उस समय एक चीज़ ये भी हिट होने लगी कि फिर ये वाली चीज़ जो हिट होती है ना, कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कहावत नहीं है कि ये काहे दुख ख़त्म नहीं होता, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये वाली चीज़। और वो चीज़ मुझे हिट करना स्टार्ट हो गई। और फिर जब ये फाइनेंशियल वाली प्रॉब्लम हुई, तो फिर मैं कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक में आया, और शायद उस समय तक 23-22 साल की उम्र के हो गए थे, तो समझ में आने लगा कि यार अब लगता है कि यार ना कि कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज अब कुछ काम नहीं चलेगा। तो फिर मैं शांति से जब बैठा कोविड में, और कोविड के ही लगभग एंड जब हो रहा था कोविड, वही मार्च मई जून के आसपास, तब मैं बैठ के रियलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं, चाहे यूपीएससी हो और चाहे बैंक का हो, एसबीआई हो, एफएससीजीएल, कुछ भी हो, 10 लाख बच्चे अगर पेपर देते हैं, उसमें से 1000 बच्चा सेलेक्ट होता है यूपीएससी में, और इवन एसबीआई में 2000 बच्चा सेलेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 0.2% का सिलेक्शन रेशियो होता है। मैं ऐसा क्या यूनिक कर रहा हूँ जो मैं मुझे और लोगों से अलग बनाएगा, 99.8% लोगों से अलग बनाएगा। मैं ऐसा कुछ अलग तो नहीं कर रहा था, क्या कर रहा, नॉर्मल, ठीक है, उठा, कुछ पढ़ लिया अपना, थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लिया, थोड़ा बहुत रीजनिंग पढ़ लिया, अपना काम चलाओ पढ़ लिया, सिलेक्शन हो गया, छोटे मोटे अचीवमेंट मिल गई थी, उसमें आदमी हवा में उड़ने लगता है। तब मुझे समझ में आया कि यार इससे काम चलेगा ही नहीं, इससे काम ही नहीं चलेगा। और जो है सबसे पहला लेसन मिला, और वो ये मिला कि आप लाइफ में जितना जल्दी चीज़ों को अगर समझ लो ना, उतना ही जल्दी आपके लिए अच्छा होता है। मतलब ये कि जैसे अब मुझे लगता है कि जैसे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि जिनकी एज होगी 20 साल की, 21 साल की, 22 साल की, 23 साल की, आप लोग इतना अभी कैजुअली चीज़ों को लेक कर रहे हो ना कि आपको लगेगा ठीक है मेरे पास बहुत टाइम है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि आप उन लोग से पूछो जो लोग 28-29 साल की उम्र में हैं, और वो इतना वल्नरेबल फील करते हैं कि यार नेक्स्ट ईयर चांस खत्म हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। तो प्लीज़ अपनी पूरी प्रिपरेशन में एक ये ध्यान रखिए कि आप कब कितना टाइम दे रहे हैं और उसको लेके कितना सीरियस आप हैं। जब आप फेलियर्स जब बहुत ज़्यादा होने लगते हैं ना, तो आप पेशेंस भी खोने लगते हो, ठीक है। मैंने अभी ये बोला कि अर्ली करो, लेकिन पेशेंस भी रखना प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरी है, कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फेलियर होगा, एक बार होगा, मे बी दो बार होगा, कई बार चार साल, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका साल में, 2 साल में ना 7-8 एग्ज़ाम नहीं निकलता, अचानक से एक एग्ज़ाम निकल जाता है,
तो वो आपको जो 7-8 एग्जाम का जो फेलियर है ना वो सहना पड़ेगा, वो नहीं सह पाते हम लोग। हम लोग को वो पिक्चर दिखती है क्या, इसका एग्जाम तो निकल गया, इसकी लाइफ तो सेट है, बढ़िया है। स्टार्टिंग में मुझे बहुत लोग बोलते थे सर आप लकी हो कि आपने जो है बैंकिंग के टॉप एग्जामिनेशन SBI PO IPS PO SSC का टॉप एग्जामिनेशन CGL निकाल दिया, सब निकाल दिया। उस लक को इकट्ठा करने में मुझे 2 साल लग गए थे, ठीक है। और जो कहते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस कुछ होता नहीं है, मैं से बोलता ना कि इस ओवरनाइट सक्सेस के लिए मुझे 12 साल लग गए थे, तो वही वाली बात है। तो ये मुझे लोग ऐसे होते हैं जिनका अभी 1-2 एग्जाम अभी हुआ है और वो क्विट करने की बात करते हैं मुझसे, मैं उनसे एक बात बोलता हूँ। मैंने अभी मेल वेल कुछ आया था तो मैं उनसे एक बात बोला, मैंने कहा एक बात बताओ यार, बस मुझे एक बात बताओ चुपचाप, कि अगर आपको जब आप क्विट करते हो या फिर सोचते भी हो तो आप बस अपने आप से एक सवाल पूछो यार कि क्या आपने अपना 100% दिया था कि नहीं दिया था। जो मैं अभी बात बता रहा था अपना 2013 वाली जब, ठीक है, तो आके जब मैं लेटा हुआ था तो वहाँ पे ऐसे लेटा था, मैंने अपने ऐसे की चीज़ पूछी कि क्या मैं उतना ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होकर पेपर देने गया था। आप मानोगे नहीं मानोगे, मैं 5-6 मॉक लगा के इतना बड़ा एग्जामिनेशन देने गया। कोई इतनी बड़ी गलती करेगा, लेकिन मैंने वो गलती की थी। क्यों? अवेयरनेस नहीं थी, इमैच्योर था, जो भी था, जो भी कह लो, जो भी था, बाद में समझ में आई ना कि यार ये मैं क्या कर रहा था। तो अभी जो आप गलतियां कर रहे हो, जब भी अभी आप क्विट करने की सोच रहे हो और आप अपनी गलतियों को बिना पहचाने ही काम करने के कदम उठाने की सोच रहे हो ना, जब इसको 1 साल बाद देखोगे, 2 साल बाद देखोगे ना, तो समझ में आएगा यार क्या कर रहा था यार, तू क्या कर रहा था। मैं अपनी गलती खुद नहीं पहचान रहा था और ब्लेम कर रहा था कि सिस्टम पे दिक्कत है, ये दिक्कत है, कट ऑफ हाई चली गई, यहाँ चला गया, सिलेबस टफ हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक जो इन पड़े रह जाते हैं, एक जो होते हैं कि ठीक है क्या हो रहा है, ठीक है कट ऑफ चेंज हो रहा है कोई बात नहीं, पैटर्न चेंज हो रहा है कोई बात नहीं, ये हो रहा है ठीक है, वैकेंसी कम आई कोई बात नहीं, हर चीज़ को लेट गो, अपना पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। और एक दूसरा क्या होता है, अच्छा कट ऑफ इस बार ये हो रहा है, ओहो वैकेंसी का ट्रेंड ये हो रहा है, अच्छा इस बार जो है पैटर्न में ये चेंज हुआ, अच्छा ये हुआ है, अच्छा ठीक है ये होगा वो होगा ऐसा हो, चूज कर लो कौन सा बनना है। मैंने बहुत बाद में ये वाला चूज किया था। एक बात मैंने और चीज़ देखी कि इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में ना आप अकेले ही होते हो रेस में, याद रखना, कोई आपके साथ नहीं चल पाता। आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयां, आपका क्या बेहतर है क्या खराब है, ये आप ही को पता होता है। और ये मुझे बहुत बाद में चला, मुझे लगा कोई देख रहा होगा, पापा मम्मी को आइडिया होगा, उनको वो मोटा मोटा देख सकते हैं कि हाँ तू पढ़ रहा है तू नहीं पढ़ रहा, वो ये देख सकते हैं। आपके भाई दोस्त हैं वो आपको फाइनेंशियली या फिर मोटा मोटा ऊपर से हेल्प कर सकते हैं, आपको थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं, टीचर आपको समझा सकता है, बता सकता है, गाइड कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो आप अकेले ही होगे जो 12 घंटे 10 घंटे पढ़ते होगे, जिसको ये पता होगा कि मेरी कमियां क्या हैं, जिसको ये पता होगा कि मेरा ये वाला पोर्शन स्ट्रांग है, जिसको ये पता होगा कि मैं लापरवाही कर रहा हूँ, कि मैं ऑनेस्टली 10 घंटा दे रहा हूँ। और जिसको 10 घंटा ऑनेस्टली जो देता है ना, उसको दिल से आवाज़ आ जाती है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब देखता हूँ ऊपर वाला क्या करता है, कर तो रहा हूँ मैं। एक ये होता है, और एक ये होता है जो रात में सोने से पहले ये अपने आप को बोलता है कि यार आज भी पढ़ाई नहीं हुई, कल से पढ़ाई करनी पड़ेगी, रोज़ ऐसे दिन वेस्ट चला जा रहा है। वो अंदर पता होता है, वो किसी से बोल नहीं सकते आप, नहीं मुझे आप बताने आओगे टीचर को, नहीं आप किसी पापा में बता पाओगे, वो चीज़ नहीं बता पाओगे। तो ये बात ध्यान रखना कि आपने इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में ना यू आर अलोन, ये मुझे बहुत बाद में रिलाइज हुआ था कि मैं अकेला ही हूँ, कोई और नहीं साथ में है। आपका जो अंदर चल रहा है ना वो बाहर वाला नहीं देख पाएगा, कभी नहीं देख पाएगा, तो ये आप अकेले हो, ठीक है। तो बस यही मुझे आपको छोटा सिखाना था कि ये जो फेलियर जर्नी है, ठीक है, और आगे का सोचो, क्विट करने का मत सोचो, जो भी आपके हिसाब से सिचुएशन है, जो भी आपके साथ प्लानिंग है वो देखो क्या कर, ये है कि अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। बहुत जल्दी मैं कल जो है आपका 2024 की प्लानिंग स्ट्रेटजी वीडियो सब लेके आऊँगा, 2024 में क्या एग्जामिनेशन से कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या प्लानिंग होगी, कल हम आपके सामने वीडियो पेश करेंगे, ठीक है। और दूसरा एक बात ध्यान रखना कि रही बात फेलियर की ना, मैंने एक चीज़ और सीखी कि मैंने जब 20 में बैठा हुआ था, यही जब मतलब कोविड में बैठा था, तो मैंने यही पढ़ा कि यार ये फेलियर्स आते ही क्यों हैं, इतने दुखदाई होते हैं तो मतलब लोगों को होते ही क्यों हैं। तो मुझे एक बात ये समझ में आया कि दुनिया में जितने महान लोग रहे हैं ना, सब कभी ना कभी फेल हुए हैं, और अगर वो फेल ना होते तो शायद वो वहाँ नहीं होते जहाँ आज थे। किसी को भी उठा के देख लो, मैं अभी यहाँ 50 एग्जाम्पल गिना सकता हूँ, ठीक है, 50 एग्जाम्पल गिना सकता हूँ। तो आई थिंक जो फेलियर होता है ना, वो कहते नहीं कि जो फेलियर होता है वो आपका एक सक्सेस के लिए कह सकते हैं एग्जाम्पल होता है, या फिर वो एक बहुत अच्छी कोई कोट है, कोई बताना है कमेंट में, मुझे याद नहीं आ रहा, कि फेलियर्स आर द लाइफ लेसंस फॉर योर अपकमिंग सक्सेस, कुछ ऐसा ही होता है। तो मुझे ये समझ में आता है कि जो अगर फेलियर थे, अगर वो होते ही ना, तो शायद आज मैं यहाँ खड़ा ना होता, क्योंकि मुझे उतनी रियलिटी में मैं चेक में आ ही नहीं पाता कभी, मैं तो एक सुपरफिशियल दुनिया में जी रहा था ना। तो ये बात ध्यान रखना, फेलियर ज़रूरी है, और फेलियर आए हैं, मैं भी फेल हुआ हूँ, ठीक है। बस ये है कि फेल होने के बाद खड़ा होने का जज्बा हमेशा रहा है, ठीक है, फेल हो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन फेल होने के बाद खड़ा होना सीखना, ये सबसे मेन चीज़ होती है। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी लोग को, और अच्छे से जो है मेहनत करो और पढ़ाई करो। ठीक है, टेक केयर, ख्याल रखो अपना।